वेलकम टू एनबीटीवी न्यूज। सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और रहिए एनबीटीवी न्यूज के साथ हमेशा सच से रूबरू। सर, शिव व्यापारी सेना का जो नई मुंबई में आगमन हुआ है और पूरे देश में आप लोग शिव व्यापारी सेना के माध्यम से काम कर रहे हो, तो आप लोग क्या उद्देश्य से काम कर रहे हो और आपका क्या मतलब आगे का, क्या आपने कुछ रणनीति बनाई है कि शिव व्यापारी सेना में क्या क्या करने वाले? देखिए, शिवसेना प्रणित शिव व्यापारी सेना ये व्यापारियों के हित के लिए काम करती है, जो पीड़ित व्यापारी है उनके लिए काम करती है। और नवी मुंबई खास करके APMC ये व्यापारियों का सबसे बड़ा हब है। जितने व्यापारी और जितने व्यापारी बाहर से पूरे देश भर से यहाँ आते हैं, यहाँ जितने व्यापारी है उतने पूरे देश में के सब जितने भी व्यापारी वो यहाँ आते हैं, यहाँ किसान आते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि किसान जब माल व्यापारियों को बेचते हैं तो ऐसे भी बहुत व्यापारी हैं जिन्होंने अपना लाइसेंस किराए पे दिया हुआ है, जो कि APMC के रूल में नहीं दे सकते। और वो लोग जब माल देते हैं किसान व्यापारियों को, तो व्यापारी उनका माल का पैसा उन किसानों का, गरीब किसानों का फंसा कर भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे किसान मेरे पास आए, तो हम APMC में इसलिए हमारी बुनियाद डाल रहे हैं कि ऐसे किसानों का नुकसान ना हो, ऐसे व्यापारी जो झूठे व्यापारी व्यापारियों का नाम खराब करने आते हैं उनको रोका जाए। इसलिए हम लोगों ने नवी मुंबई में आगमन किया है। नवी मुंबई में हम लोग जोरों शोरों से पूरे तैयारी से व्यापारी सेना काम कर रही है, व्यापारी को जोड़ेंगे, व्यापारियों के प्रश्न के ऊपर लड़ेंगे और व्यापारी के साथ जो व्यापारियों को माल देते हैं, जो किसान, गरीब किसान, जो देश के पीड़ित किसान है, जो APMC में जो ऐसे भोगस व्यापारी है जो उनको फंसाते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने नवी मुंबई से शुरुआत की। बहुत बहुत शुक्रिया NVTV न्यूज से बात करने के लिए। APMC मार्केट नवी मुंबई में जो किसानों का पैसा उड़ाकर, उनको उनका पैसा गमन करके जो लोग व्यापारी भागकर उनको नुकसान पहुंचाते, ऐसे किसान लोग आगे चलकर आत्महत्या करते, सुसाइड करते। ऐसे ही एक किसान हमारे पास कंप्लेंट लेके आया, उसके 16 लाख रुपए एक व्यापारी ने डुबाए और उस व्यापारी ने वो लाइसेंस एक दूसरे आदमी को किराए पे दिया था, जबकि APMC के रूल में दे नहीं सकते। ऐसे मुद्दे पर बहुत सारे प्रांती आकर या धंधा करते जिनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन होती नहीं, इंक्वायरी होती नहीं, ऐसे लोग धंधा करते, माल लेते और किसानों का माल पैसा डुबाकर भाग जाते। ऐसे लोगों के विरोध में हम लोग आंदोलन करने आज APMC मार्केट में आए हैं। आज के बाद शिव व्यापारी सेना आंदोलन करने जा रही है कि जो भी गाड़ा धारक है, जो भी लाइसेंस धारक है, वो खुद धंधा करेगा। अगर वो किसको भाड़े पर लाइसेंस दिया है, किराए पर लाइसेंस दिया है, तो वो नहीं दे सकता। और अगर कोई भी आदमी, बाहर का आदमी आके यहाँ धंधा कर रहा है, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज शिव व्यापारी सेना के सब लोग ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद APMC नवी मुंबई में फ्रूट मार्केट में कोई ऐसे व्यापारियों को धंधा करने देंगे नहीं जो बेकायदे तरीके से धंधा कर रहा है। इसके विरोध में शिव व्यापारी सेना उन तमाम किसानों की मदद करेगी जिनका पैसा इन व्यापारियों ने डुबाया है। ऐसे व्यापारी इस APMC में धंधा करने हम शिव व्यापारी सेना देंगे नहीं, और जो ओरिजिनल व्यापारी है उनके साथ उनकी मदद करने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। बोलो शिव व्यापारी सेनेचा जय हो, शिव व्यापारी सेनेचा जय हो, आवाज कोणाचा शिव सेनेचा, माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो, पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांचा जय हो, आदित्य